नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराने एक बार फिर से हाजिर हैं, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बिजनेस टॉप 10 के साथ। जुलाई से सितंबर तिमाही में बैड लोन की रिकवरी में तेज उछाल, अप्रैल से जून तिमाही में कोरोना की दूसरी लहर के कहर के सामने घटी थी फंसे लोन की रिकवरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, दो साल बाद सस्ते हो जाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल। गडकरी ने पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों के बराबर कीमत होने का जताया भरोसा। इलेक्ट्रिक व्हीकल यूनिट के लिए टीवीएस मोटर्स फंड जुटाने की कोशिशों में लगा, निजी इक्विटी फंड से $500 मिलियन की रकम हासिल करने का है टारगेट। कोटक महिंद्रा बैंक ने होम लोन का ब्याज 5 बेसिस पॉइंट बढ़ाया, अब 10 दिसंबर तक 6.5% की जगह 6.55% पर मिलेगा होम लोन। कोरोना केस घटने के साथ ही हाइजीन प्रोडक्ट्स की बिक्री में बड़ी गिरावट, डाबर, पार्ले और इमामी के बाद कई और कंपनियां हैंड सैनिटाइजर सेगमेंट से बाहर आने पर कर रही हैं विचार। स्पाइसजेट ने फिनटेक कंपनी कैपिटल फ्लोट के साथ करार करके यात्रियों के लिए ईएमआई पर हवाई सफर की शुरुआत की, 3 महीने तक की ईएमआई के लिए यात्रियों को नहीं देना होगा ब्याज। 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लक्ष्य से आगे निकलने का ऊर्जा मंत्री ने दावा किया, एनएचपीसी के स्थापना दिवस में आरके सिंह ने जताया भरोसा। रिलायंस और फ्यूचर रिटेल की डील में फिर लगा ब्रेकर, सौदे को शेयरधारकों की मंजूरी दिलाने के लिए ईजीएम बुलाने पर एनसीएलटी ने लगाई रोक। पेटीएम के आईपीओ के अगले दिन शेयर मार्केट में आया सफायर फूड्स का आईपीओ, पिज्जा हट और केएफसी की पेरेंट कंपनी का रिटेल सब्सक्रिप्शन चंद घंटों में पूरा हुआ। 6 महीने में दोगुनी होकर बिटकॉइन की कीमत $67,803 के पार पहुंची, बिटकॉइन और इथर ने अक्टूबर के बाद से डॉलर के मुकाबले 70% ज्यादा रिटर्न दिया। बीते हफ्ते पीएम मोदी ने 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करने का बड़ा ऐलान किया था। पर्यावरण के साथ साथ नेट जीरो इकोनॉमी में $15,00,000 का योगदान करेगा, जिससे 5 करोड़ नए रोजगार पैदा होंगे। यह दावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट में किया गया है। वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों ग्लासगो में आयोजित जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में भारत का पंचमृत संकल्प जताया था। पीएम के इस बयान ने पर्यावरण का ख्याल रखने में भारत की गंभीरता को दुनिया के सामने जाहिर किया था। भारत 2030 तक अपनी नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। लेकिन पीएम का ये ऐलान केवल पर्यावरण को बचाने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि 2070 तक नेट जीरो हासिल करने के लिए मायने होंगे कि $15,00,000 के आर्थिक अवसर इस पहल से पैदा होंगे। इसके अलावा 5 करोड़ नए रोजगार पैदा करने की संभावनाएं भी ये ऐलान खुद में समेटे हुए है। रोजगार और अर्थव्यवस्था पर होने वाले इस पॉजिटिव असर का दावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF की एक रिपोर्ट में किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कृषि और सर्विस सेक्टर के मौजूदा दबदबे से मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने के लिए भारत ने नेट जीरो अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य तय किया है। ये रिपोर्ट कहती है कि मौजूदा दशक में ही इससे करीब $1,000 अरब के मौके पैदा हो सकते हैं। ये भारत के लिए एक ग्रीन न्यू डील का मौका है। इस रिपोर्ट में लोगों की जान बचाने, नए उद्योगों को बढ़ावा देने,
रोजगार पैदा करने और जलवायु परिवर्तन को रोकने में भारत का योगदान बढ़ाने का जिक्र किया गया है। WEF के मुताबिक नेट जीरो और ग्रीन इकोनॉमी की तरफ से कदम बढ़ाने के साथ भारत अपने नागरिकों के लिए प्रगति और ऊर्जा सुरक्षा किस तरह मुहैया कराता है, इसी से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक जंग में सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी। जानकारों का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इस मिशन से जुड़ना चाहिए, जिससे पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और रोजगार की ट्रिपल सफलता इस पहल से हासिल की जा सके। जैसे कि हमने COP26 में क्लाइमेट चेंज पर चर्चा देखी है, ये मानवता के लिए चिंता का विषय है। भारत ऐसे कई पहलुओं पर तेज गति से काम कर रहा है। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, युवा भारत के लेखक के रूप में युवाओं से बातचीत करने के बाद मुझे लगता है कि हमें सभी को, विशेष रूप में युवाओं को, एक साथ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को एक अभियान के रूप में आगे ले जाने की आवश्यकता है। हालांकि अब देखना यही है कि कैसे सरकार इस मिशन को पूरा करने में जी जान लगाती है, जिससे पर्यावरण को सुरक्षित रखने की ये पहल कामयाब हो सके। आज तक ब्यूरो। शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड निवेशकों की KYC करने वाली CVL पर 10 दिन में दो बार साइबर अटैक हुआ है। इस अटैक के जरिए 4 करोड़ से ज्यादा लोगों की निजी और वित्तीय जानकारियों को चुराने की आशंका है। हैकिंग की सबसे बड़ी घटना के बाद लोगों पर साइबर हमले होने का खतरा बढ़ गया है। अगर आप शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं तो फिर आपने KYC भी जरूर कराई होगी। आम तौर पर इन दोनों ही निवेश विकल्पों में KYC की जिम्मेदारी CVL की होती है, जो भारत की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी CDSL की सब्सिडियरी कंपनी है। लेकिन भारत के इस सबसे बड़ी KYC रजिस्ट्री एजेंसी के रिकॉर्ड्स में साइबर ठगों ने सेंध लगा दी है। करीब 4 करोड़ लोगों की गोपनीय जानकारियां हैकर्स के हवाले हो गई हैं। इस साइबर अटैक की सबसे पहले जानकारी चंडीगढ़ के साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप CyberX9 ने 19 अक्टूबर को CDSL को दी थी। सिक्योरिटी डिपॉजिटरी एजेंसी को इसे ठीक करने में 7 दिन लग गए थे, लेकिन 29 अक्टूबर को दोबारा डेटाबेस हैक कर लिया गया था। अगले दिन फिर से CDSL को CyberX9 ने इसकी जानकारी दी, जिसे 1 नवंबर को ठीक किया गया। लेकिन इन दो अटैक्स में लोगों की निजी और वित्तीय जानकारियां लीक हो गई। CDSL is the biggest depository of India, holding more than 5 crore DMAT accounts, and the data belongs to 4.39 crore people. It's a huge data, and it is the biggest financial data of till date any company or any organization has exposed it. इस अटैक में जो जानकारियां हैकर्स के हाथ लगी हैं, उनमें लोगों के नाम, पैन नंबर, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, रेजिडेंशियल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस शामिल हैं। ये सभी जानकारियां फिशर्स और स्कैमर्स के लिए सोने की खान समझी जाती हैं। इन्हीं के दम पर ये साइबर फ्रॉड ठगी को अंजाम देते हैं। इन जानकारियों के लीक होने से करोड़ों लोगों के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड होने, उनकी पहचान के चोरी होने के साथ ही उगाही और इनकम टैक्स रिफंड जैसे स्कैम होने की आशंका बढ़ गई है। एनीथिंग इज पॉसिबल, takeover of internet banking accounts and takeover of demat accounts, possible forgery of identity theft, and the biggest is Indian financial market is at risk. जाहिर है इन करोड़ों लोगों के साथ किसी भी तरह का फाइनेंशियल फ्रॉड होने की जिम्मेदारी CDSL की है, जिसकी लापरवाही से करोड़ों लोगों का गोपनीय डेटा हैकर्स के हाथों में पहुंच गया है। आज तक ब्यूरो। बिजनेस आज तक में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।